क्यों? कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ, बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो तभी होश ना आने पाए। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं। छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा, अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मेरा तो इलाज है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो पीते भी नहीं और फिर भी यहाँ आते। जाने कितना दुख हुआ, मैंने पीना शुरू किया। मत छू, हाथ मत लगाओ मुझे चंद्रमा, अब भी कुछ होश बाकी है। तुम नहीं जानते मैं तुम लोगों से कितनी नफरत करता और हमेशा करता हूँ, फिर भी आऊंगा तुम्हारे पास, बैठूंगा, बात नहीं करूंगा, इसके सिवाय और उपाय भी क्या? तुम लोग क्या ये बात समझ सकोगे? लोग अंधेरे में पाप करते हैं और मैं उजाले में यहाँ आके शराब पीता, और तुम सब सहन शक्ति की जीती जाती तस्वीर। चंद्रमुखी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता। नहीं, लोग नाटक करते हैं, मुंह पे कालक चूना मलते हैं, राजा बनते हैं, रानी बनते हैं, प्यार करते हैं, प्यार के न जाने कितने ढोंग रचाते हैं, और यूं लगता है जैसे सब सच है। चंद्रमुखी भी नाटक करती है और मैं देखता हूं, फिर भी पारों की बहुत याद आती। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया, वो शादी के रास्ते पे चल दी और मैं बर्बादी के रास्ते।
अब एक कभी न खत्म होने वाला नाटक शुरू हो गया। कौन पालगी? तुम तो पारो नहीं हो, फिर क्यों रोती हो? ओहो, एक छोटी सी धूल और उसकी इतनी बड़ी सजा, क्यों पारो की याद हर वक्त सताती है मुझे? क्यों मैं उसे नहीं भुला सकता? हाँ चलो चल के सो जा। सो जा? मैं एक शराबी और ये एक अच्छा होने दो, यही होने दो, बुरा क्या है? कोई उम्मीद नहीं, रोसा नहीं, कोई सुख नहीं, तो कोई ख्वाहिश भी नहीं। वाह बहुत अच्छे। पहले मैं चलता हूँ, आप अपना पूरा इंतजाम करके बाद में आइए। तो शुक्रिया बहुत अच्छा। भयानक रात है, बस उठ बातें बनाने आए हो या तस्वीर बनाने? तो चल अपना काम किए जाओ। ये आपके पीछे किसकी छाया झूल रही है? कौन कौन? तो कुछ नहीं, पर्दे की परछाई। तुम मुझे डराना चाहते थे? जी नहीं, मैं खुद डर गया था आगे साहब। मेरे पास फालतू वक्त नहीं। कितने बजे? 8 बजने में अब ज्यादा देर नहीं है राजा साहब। जाओ अपना काम करो। राजा साहब फोन। फोन? जी हाँ फोन। ये देखिए आपकी तस्वीर पर अपने आप ये खून के धब्बे उभर आए। ये जरूर तुम्हारी हरकत होगी। नहीं राजा साहब, इसमें यकीनन किसी और का हाथ है। और का हाथ? लेकिन इस वक्त हम दोनों के सिवा और ना कौन? जरूर कोई है, मैं महसूस कर रहा हूँ राजा साहब। क्या बात सुनी? ऐसे मालूम होता है जैसे दो बढ़ते हुए पैरों में पायल खनक रही। आप सुन रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा। पिटा दो दादा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। किस तरह देख रहे हो मेरी तरफ? जैसे एक चित्रकार देखता है। जो आदमी के अंदर होता है अच्छा चित्रकार, वो ही बाहर लाने की कोशिश करता है। ऐसा आप रूहों को मानते हैं? क्यों पूछते हो ऐसी बातें? आज की रात की कुछ ऐसी ऐसे मालूम होता है जैसे कोई रूह जिसकी जिंदगी का सपना अधूरा रह गया हो आने की कोशिश कर रही। देख रहे हैं वो लपलपाते साए से, सुन रहे हैं उसकी दर्द भरी लंबी लंबी आहें, उसकी सिसकियों की आवाज। Thank you.
आवाज है। याद है वो तूफानी रात जब तुम इनके जख्मी हो जाने की झूठी बात कहकर मुझे यहाँ ले आए? उसके बाद क्या हुआ? बोलो उसके बाद क्या हुआ? चुप क्यों हो? आगे मत बोलो, बताता हूँ, सब बताता हूँ। तुम बाबूजी बाबूजी पुकारती हुई मेरे कमरे में चले आए। मैंने तुम्हें काबू कर लेना चाहा, लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर छत की तरफ भाग निकली। मैंने तुम्हारा पीछा किया। लाश को झील के किनारे दबा दिया ताकि कोई जान न सके। हाँ, मैंने तुम्हें कत्ल किया था और एक बार फिर तुम्हें कत्ल करूंगा। कोई है? राशि, राशि! आप हिरासत में हैं, ये सब झूठ है, कोई साजिश। मैं सब सुन चुका हूँ। अभी अभी आपने खुद अपना जुर्म कबूल किया है, बाकी सफाई अदालत में देना। सिपाही बंदूक ले लो। मुजरिम अपने जुर्म की सजा पाएगा, लेकिन इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मेरा सुकून तो वापस नहीं आ सकता, मेरी उम्मीदें तो नहीं लौट सकती माफी दे। मैं आपका बहुत एहसान, आपकी वजह से ये लेकिन आपको ये सब बातें कैसे मालूम हुई? आपको ये सब बातें कैसे मालूम हुई जिनसे मैं खुद ना वाकिफ? इस मनहूस जगह पे आने के बाद मेरी मधु पर क्या जुल्म हुआ ये आपने कैसे जाना? मत भी देव, आपके होठों पर ये पुरस्कार मुस्कुराहट क्यों खेल रही है? आपकी आंखों में अजीब सी झलक क्या है? आप कहां जा रही हैं? भैया आज तो बच चुके हैं, मैं भाग के जाती हूँ। आप चुप क्यों हैं? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने के कारण मुझे देर हो गई। मधु, क्या हुआ? वो आई थी। कौन? मधु। कहाँ?
आपने? वो मुझे पुकार रही है। बाबूजी। वो मुझे पुकार रही है। आनंद बाबू, आनंद बाबू। माधवी। बाबूजी। मधु। मधु आज तक सारा जग तुमसे मांगता आया है और मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। और कुछ नहीं चाहिए, एक गरीब के तांगे घोड़े को कृष्ण भगवान के रथ की छाया दे दो। इज्जत की बाजी है प्रभु, तुम्हारे सामने सर झुकाने आया हूं, धनवान के आगे सर ऊंचा कर दो। और कुछ नहीं चाहिए। उसे जिंदा करो और कहो कि आज अपनी ताकत दिखाए। उससे कहो कि फौज और हुकूमत के बलबूते पर रोक सकती है तो रोक दे इस तूफान को। आसरा टूट गया, तुम्हारा आसरा बाकी है। आज नगर को राज नहीं बचा सकता, तभी बचा सकता है। तूफान को रोकना देवता के हाथ में है, फकीर का काम है दुआ करना। आओ हम सब मिलकर दुआ करें।
बताने की जरूरत है। आज तुम में से कौन है जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है? बाबा ये कुर्बानी मैं दूंगा। तुम परदेशी? मैंने यहाँ के लोगों से प्यार किया है और यहीं अपनी मोहब्बत को मिटते भी देखा है, और मेरे देश में यही तालीम दी जाती है कि जिसे प्यार करो उसके लिए अपनी जान भी दे दो। मैं कुर्बानी देना चाहती हूँ। तू मेरी बच्ची? मुझे अपने देश से कुर्बान होने का हक है। लेकिन इसकी शादी हो चुकी है बाबा, ये किसी दूसरे की अमानत है। मेरा जिस्म दूसरे का है, मरने के बाद उसे दे दिया जाए। खामोश औरत, मेरा जिस्म, तेरी रूह, तेरी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। अब तेरा एक ही फर्ज है, मेरे हुक्म की तामील। और तेरा ये फर्ज है कि बेगुनाह परदेशी को तूफान की भेंट चढ़ा दे। क्यों नहीं? उस परदेशी को जिसकी जान बचाने के लिए मैंने रानी के हुक्म पर तेरे गले में वरमाला डाली। क्यों नहीं? तू मेरे जिस्म का मालिक है शांगू, मेरी आत्मा किसी और की है। क्यों नहीं? तू एक मर्द बच्चे से बात कर रही है। मर्द का बच्चा है तो जा देश का कुर्बान हो जा। मैं वचन देती हूँ कि तेरी लाश को सीने से लगाऊंगी, सारा जीवन तेरी याद में गुजार दूंगी। ठीक है, ठीक है। बाबा क्या तुम अपनी बच्ची को इस तरह मरने दोगे? आज धरती ने पुकारा है, माँ की मांग पर बेटी कुर्बान होगी, परदेशी नहीं बाबा। बाबा ऐसी जिंदगी में कुछ नहीं देखा और मैंने सब कुछ पा लिया है। नहीं बाबा, परदेशी को बलिदान का अधिकार नहीं है। मैं परदेशी नहीं हूँ बाबा, माला मेरे गले में डाल दो। नहीं बाबा, मैं अपना हक मांगती हूँ। सुनी बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ये जुल्म है, क्या अन्याय है बाबा। सुनी सुनी बाबा, मेरी बच्ची, मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करो। बाबा मैं परदेशी से कुछ कहना चाहती। जा सकती हो। तुमने क्या किया सुन? मर जाने दिया होता मुझे, क्या तुम समझती हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकूं? तुम्हें मेरी कसम परदेशी जो अपनी जान की दुश्मन बना, अब मैं तुमसे कभी कभी दूर नहीं रहूंगी। कैसे, ये कैसे हो सकता है? देखो ये जिस्म तो किसी और का हो चुका है, अब यही मेरे तुम्हारे बीच दीवार बन गया है। जब मैं इसे फेंक दूंगी फिर तुम्हारी हो जाऊंगी। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं, दो कुर्बानियां नहीं हो सकती। अगर तुम मुझे हमेशा के लिए पाना चाहते हो तो इस वक्त मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। याद है तुमने कहा था कि जब मैं दुल्हन बनूंगी तो तुम ऐसा गीत गाओगे कि तूफान आ जाएगा और मैं खो जाऊंगी उस तूफान में। कैसे गाऊं सुन? दिल टूट गया और आवाज खो गई। गाओ परदेशी गाओ, मैं चाहती हूँ जिंदगी के आखिरी वक्त तक तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे, सिर्फ तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे। गाओ परदेशी गाओ।